दोस्तों भारत जिसने सदियों से दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ाया, इस भारत को साल 1962 में पहली बार ये महसूस हुआ कि अब समय आ गया है खुद की सुरक्षा के लिए न्यूक्लियर हथियार बनाने का। एक तरफ जवाहरलाल नेहरू नारा दे रहे थे हिंदू चीनी भाई भाई, वही दूसरी तरफ चीन ने 1962 में धोखा देकर भारत पर हमला कर दिया, जिसके बाद भारत ने पहली बार 1974 में अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए पहली बार न्यूक्लियर टेस्ट किया। न्यूक्लियर टेस्ट को सक्सेसफुल करने के बाद भारत ने दुनिया को बताया कि हमारे पास अब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आ चुकी है, और साथ ही दुनिया को ये आश्वासन दिया कि इस टेक्नोलॉजी से हम न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएंगे। समय के साथ साथ चीन और पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए साल 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में भारत ने न्यूक्लियर हथियारों का टेस्ट पोखरण में दोबारा किया। इस बार 11 मई 1998 को 3 टेस्ट और 13 मई 1998 को 2 न्यूक्लियर वेपन के टेस्ट किए गए, और भारत उस दिन दुनिया की छठवीं महाशक्ति बन गया था।